हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती 2020 25 जून की एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं दोस्तों। साथ साथ एक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने की पूरी पूरी दोस्तों जानकारी मिल चुकी है। एक बहुत ही बड़ी भर्ती की परिणाम दोस्तों जारी करेगा यूपी SSSC। दोस्तों मैं आपको डेट भी बताने वाला हूँ कि किस दिन जारी होगा आपका परिणाम। साथ साथ दोस्तों आज आयोग में एक बड़ी बैठक चल रही है लेखपाल भर्ती के, छात्र ध्यान दे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आपके सामने आया हूँ। आप लोगों से बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग 4 से 5 मिनट इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद स्किप कीजिएगा या डिसलाइक कीजिएगा, जो मर्जी वो कीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है दोस्तों आपको जो खबर आयोग से मिलती है वो आपको घर बैठे आप तक पहुंचाना। लेकिन आप लोगों को लगता है कि सिर्फ मनगढ़ंत बातें यहां पर बता दी जाती है, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये आयोग कितनी ज्यादा लापरवाह और आलसी चीज है। ठीक है, यहां पर इसका कुछ भी पता नहीं है कि क्या ये बोल रहा है, क्या ये करेगा और करेगा भी कि नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें हमारी गलती नहीं होती, आप लोग नहीं जानते हैं कि ये आयोग कितना ज्यादा ढीला है। ठीक है, जो जानकारी खुद अपने मुंह से देते हैं कर्मचारी वो भी उनकी सही नहीं हो पाती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसमें हमारा दोष आप लोग ना दें, हमें आप लोग सपोर्ट करें, जो भी खबर मिलती है वो आप तक पहुंचाते हैं, आपके घर घर बैठे हुए आपको खबर मिलती है। क्योंकि आप लोग डिसलाइक करते हैं वीडियो को, बुरा भला बोलते हैं, तो हमें ही डिमोटिवेशन होता है और हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं वो देनी नहीं चाहिए। तो ठीक, आप लोग प्लीज सपोर्ट करें, अगर आपको चाहिए जानकारी, जो भी जानकारी मिलती है एज इट इज आपको बताता हूं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों लेखपाल भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बना के, मैंने ही नहीं कई सारे यूट्यूबर जो न्यूज देते हैं यूपी SSSC, उन्होंने भी बताया था कि 25 जून को यूपी लेखपाल भर्ती पूरी तरह संभावित है ऑनलाइन स्टार्ट होना। तो दोस्तों ये खबर खुद यूपी SSSC के कर्मचारियों ने दी थी कि लेखपाल भर्ती संभवतः 25 जून से शुरू किया जाएगा आवेदन, उसका नोटिफिकेशन पे काम चल रहा है, ऐसा जानकारी मिला था। लेकिन दोस्तों आज की खबर ये आ रही है कि कर्मचारियों का कहना है कि 25 जून संभावना तो थी, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं लिया जा सका है कि दो लेखपाल भर्तियां हैं, एक है चकबंदी लेखपाल भर्ती और एक है राजस्व लेखपाल भर्ती। चकबंदी लेखपाल की करीब 3000 पद है और राजस्व लेखपाल के करीब 5200 पद है। लेकिन दुविधा ये है कि चकबंदी लेखपाल, अगर राजस्व लेखपाल पहले निकाल दिया जाएगा तो दिक्कत ये है कि चकबंदी लेखपाल पहले आना चाहिए, क्योंकि वो पुरानी वैकेंसी, एक बार उसके नोटिफिकेशन आ भी चुका है। तो आज आयोग की इसीलिए बैठक है, इसमें दो चीजों पे बैठक हो रही है, एक लेखपाल भर्ती का फैसला लेना है कि राजस्व लेखपाल निकाला जाएगा या फिर चकबंदी लेखपाल। दोस्तों इसी को लेकर दुविधा है आयोग में और ये फैसला जहां तक है आज लिया जाएगा कि चकबंदी लेखपाल पहले निकाला जाए, क्योंकि दोनों ही भर्तियों का नोटिफिकेशन तैयार है, यानी कि चकबंदी लेखपाल का तो काफी पहले अपॉइंटमेंट होकर तैयार हो चुका है, तो इसी पे फैसला लेना आज बाकी है। और दोस्तों जो भी खबर मिल रही है वही मैं आपको दे रहा हूँ एज इट इज, आप लोग देखिएगा, विभिन्न यूट्यूबर्स इस चैनल को इस न्यूज को अभी देंगे आपको। साथ साथ दोस्तों एक भर्ती परिणाम पर भी बात चल रही है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी अपडेट आपको देना चाहूंगा दोस्तों, कि जब मैं क्लासेस चला रहा था दोस्तों, अभी तक मैंने घटना चक्र टोल सीरीज से काफी सारे प्रैक्टिस सेट आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिए, जो कि आप लोगों ने काफी देखे हैं, काफी पसंद किए हैं, लेकिन 2-3 दिन से जब प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया तो क्लासेस नहीं आ रही है। आज हमारे चैनल पर रात 8 बजे से नई क्लासेस स्टार्ट होगी दोस्तों, एक नए तरीके से टॉपिक वाइज। आप सभी को वोटिंग किया था, आप लोगों ने बोला कि टॉपिक वाइज कराइए, तो आज टॉपिक वाइज क्लासेस होगी हमारे चैनल पे एक पाल स्पेशल, तो आप लोग रात 8 बजे जरूर देखिएगा। साथ साथ बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर कोई गाइड बुक बताइए जो कंप्लीट गाइड बुक हो, सिलेबस उसमें पूरा कंप्लीट हो, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में बताना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, उसके बाद में एक बहुत बड़े रिजल्ट की अपडेट देने वाला हूं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये एकदम नए पैटर्न पर आधारित एक बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों, जिसका ट्रेडमार्क है चक्षु और ये SRR पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश की गई है दोस्तों, जो कंप्लीट गाइड है दोस्तों, संपूर्ण पाठ्यक्रम पुस्तक है, नई भर्ती इनकी 2020 पे आधारित है, नए सिलेबस पर समान हिंदी, गणित, समान ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास और समसामयिक करंट अफेयर भी दिए गए हैं। साथ साथ आपका पाठ्यक्रम अनुसार संपूर्ण थ्योरी दिया गया है और हर थ्योरी के बेस्ड पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे आपको अलंकार अगर पूछा जा रहा है तो अलंकार का पूरा डिटेल डीप नॉलेज दी गई है, साथ साथ उस पे जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और नए क्वेश्चन जो हैं वो भी दिए गए हैं, साथ साथ राजस्व विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई है। और दोस्तों यहां पर एक शॉर्ट पेपर दिया गया है, 1200 प्लस पाठ्यक्रम अनुसार महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न दिए गए, नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए। मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूं, ये इसका इंडेक्स होने वाला है दोस्तों, आपको हल प्रश्न पत्र मिलेगा 2016 का, फिर आपको करंट अफेयर मिलेगा 1 से 12 पेज तक, फिर राजस्व विभाग एक परिचय 1 से 16 पेज तक, फिर आपका समान हिंदी स्टार्ट होगा जिसमें समान हिंदी के सारे टॉपिक कवर किए गए, अलंकार
प्रकार, रस, छंद और सभी के डिटेल में थ्योरी के बाद में उनपे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वो बताए गए हैं। साथ साथ दोस्तों गणित है, सामान्य ज्ञान है सारे टॉपिक और ग्राम समाज एवं विकास के सभी टॉपिक दिए गए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका सबसे पहले आपको एक प्रीवियस पेपर मिलेगा, उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारे टॉपिक कवर किए गए। ये है अलंकार, डीपली इसमें सारे टॉपिक बताए गए, जितने सब टॉपिक हैं वो सारे क्लियर किए गए हैं। उसके बाद में इसमें आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप कंप्लीट गाइड एक बुक खरीदना चाहते हैं राजेश लेखपाल के लिए, तो आप लोगों के लिए ये गाइड बहुत ही बेस्ट होने वाली है। इस गाइड का अगर बाय करना है आपको, तो मैं दो नंबर आपको दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं इस बुक को लेकर, ठीक है। आप लोग वहां पर मैसेज कीजिएगा, आपसे आगे कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। आप लोगों को नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दो नंबर आपको दिए होंगे, किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके ये इस बुक को बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें उस नंबर पर। अब बात करते हैं दोस्तों खबर पर। दोस्तों एक और खबर आ रही है कि यूपी ट्रिपल एससी जो दो परिणाम उसके रुके हुए हैं, जो पूरी तरह से कंप्लीट है, एक है मंडी परिषद 2018 और एक है लोअर पीसीएस प्री एग्जाम 2019। लोअर टू की भी भर्ती फंसी हुई है, लेकिन उसके परिणाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारे छात्र अभी कॉमेंट करेंगे सर उसके भर्ती के बारे में बताइए। तो जो जानकारी मिली है वो दो भर्तियों की रिगार्डिंग, पहली है मंडी परिषद और दूसरी है लोअर पीसीएस, जिसमें दोस्तों आपका लोअर पीसीएस प्री एग्जाम का रिजल्ट 30 जून तक आपका जारी करने की पूरी तरीके से तैयारी है आयोग की। तो ऐसी खबर आयोग के कर्मचारियों से मिल रही है। तो लोअर पीसीएस के मेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिए आप लोग दोस्तों, प्री एग्जाम का रिजल्ट जल्दी जारी होने वाला है और जुलाई में आपका मंडी परिषद का भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों खबर आ रही है कि आयोग प्रगति रिपोर्ट जारी करेगा दोस्तों। तो मुझे तो जब भी प्रगति रिपोर्ट जारी करता है आयोग, मुझे तो बहुत इस बात पे हंसी आती है कि एक भी कार उसमें बताए हुए तिथि पर नहीं होती है, बताए हुए माह पर नहीं होता है, और क्या प्रगति रिपोर्ट जारी करेगा आयोग? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है 3 महीने से भाई, तो किस बात का प्रगति रिपोर्ट? तो ये सारे ढकोसले हैं सिर्फ आयोग के और कुछ नहीं, इनको करना वरना कुछ नहीं होता है, असली बात बताएं। बाकी जो मुझे न्यूज मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या पता इस बातों पर भी मुकर जाए आयोग, फिर सारी बातें मुझ पर आ जाती कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं गलत जानकारी देता हूँ आप लोग। तो दोस्तों तो सारी जानकारियां मेरे तरफ से नहीं होती, सभी कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है, आयोग के कर्मचारियों से मिलती है, वही आपको बताता हूं। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट किया करें ताकि जो भी आपको घर बैठे कुछ ना कुछ आपको पता चलता रहे, चाहे वो आपको जो भी जानकारी आयोग दे रहा है वो मैं आपको पहुंचाता हूं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। किसी भी भर्ती रिगार्डिंग लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। जो बुक मैंने रेकमेंड किया उसका बाय करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उन दो नंबर पर बाय बुक बाय करने के लिए बस आपको लिखना है यूपी लेखपाल बुक गाइड बुक, ठीक है। आपको कमेंट मैसेज करना है या फिर कॉल करके बात कर लेनी है, आपसे कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो।